है, दिग्विजय प्रसाद सिंह ने इसको प्रतिष्ठा किया था। राजा दिग्विजय सिंह प्रतिष्ठा किया था, ब्राह्मण में आया था बाली जोड़ी बीरभूम से, सखीचरण चट्टोपाध्याय इसको प्रतिष्ठा किया गया। जब जब जहाँ जहाँ आते गया, एक टुकड़ के बलि होते गया, उससे भी धीरे धीरे जागृत हुआ, धीरे धीरे वहाँ का प्रकार नाम हुआ, होते होते बहुत बड़ा विशाल नाम हुआ। सिद्ध पीठ मनोकामना जो सिद्ध होता है वो अवश्य होता है, इसमें दो मत नहीं है, इसका सत्यबोध है। मंगलवार शनिवार को थोड़ा भीड़ होता है, बलि का प्रबंध होता है, जो मन्नत किया जाता है, फूल गिरता है, उसमें काम बनता है, विश्वास रखने पड़ता है। मैं विकास तिवारी, आपका नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल विकास तिवारी ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं, और पथरोल के काली माँ की पावन धरती पर मैं स्वागत करता हूं। और चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। मैं विकास तिवारी, मैं जिस स्थान पर आया हूँ वो पथरौल काली मंदिर बहुत सिद्ध जगह में से एक है। मैं अपने दर्शकों से ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देवघर से 32 किलोमीटर दूरी पर है और गिरिडीह पथ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं चाहूँगा अपने दर्शकों से कि वो जब भी बाबा धाम आवे तो आप ये पथरौल जरूर आए शक्तिपीठ में और इनका नमन करें। यहाँ मनोकामना मांगने से पूर्ति होता है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये पथरौल मुख्य काली मंदिर है। और यहाँ पर जो है करीब करीब यानी शनिवार और मंगलवार, हाँ शनिवार और मंगलवार के दिन जो है बकरे का बलि दिया जाता है और जो भी मनोकामना मांगा जाता है वो करीब करीब उसका पूर्ति होता है। मैं अपने तमाम दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पंडित जी हैं, ये बताएंगे इससे कि कब। हाँ बताइए। ये करीब 500 साल का मंदिर है, मुगल पीरियड का मंदिर है। उस समय यहाँ का राजा दिग्विजय सिंह को स्वप्न में यहाँ मिला है माँ काली को, यहाँ कलकत्ता से लाया गया माँ काली को। उस समय ट्रेन कुछ नहीं था, लोग पैदल ही आते थे, डोली के साथ इनको लाया गया है और यहाँ प्रतिष्ठा किया गया है। और पूजा के लिए बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बालीझुड़ी सखीचरण चट्टोपाध्याय को लाया गया, वही पूजा पाठ करते रहे और उनका वंशावली आज चलते रहा है, राजा की भी वंशावली चलता रहा है। ए बाबा मंदिर के में लोग भक्त लोग आते हैं, मैं इनसे भी परिचय करवा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि ये माँ भगवती का महिमावत का वर्णन करें। मैं इनसे जानना चाहूँगा ये चूंकि सिद्धपीठ में माँ काली का बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है। मुगल काल में ही एक यहाँ के राजा का जो था वो उनको सपना में आया था और उसके बाद ये पीठ के तौर पर, ये पीठ है ना, पीठ है बाबा ना, सिद्ध पीठ माँ काली का सिद्ध पीठ है। और पूरे वेस्ट बंगाल में तो पूरा प्रसिद्ध है, पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है मंदिर है। ऐसे बिहार से भी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, और ये दक्षिण भारत से भी लोग यहाँ बहुत सारे आते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जय माँ काली पत्थर और मूर्ति स्पर्श करना मना है और संकल्पित दक्षिणा अपने इच्छा अनुसार पंडा को दान करें। यदि कोई 2000-5000 रुपये मांगे तो मंदिर के व्यवस्थापक से संपर्क करें, जिसका पाली रहेगा वही मंदिर के अंदर रहेगा। वीआईपी पूजा 1 बजे के बाद। यहाँ पर राज पर परिवार के कुलदेवी का मंदिर है और सिद्ध पीठ में है। यहाँ करीब करीब मुगल काल से पहले का ये जगह है और बंगाल वगैरह से बहुत
ज़्यादा पूरे यानी पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है, हाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग, हाँ जिनको जानकारी है वो आते हैं। और मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जब भी देवघर आवें तो यहाँ पथरौल माँ काली का दर्शन जरूर करें। और मैं पार्वती मंदिर में पहले इन करता हूँ, दिखाता हूँ, ये माँ पार्वती का मंदिर है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा और ये बहुत सिद्ध पीठ में इनकी गिनती होता है। माँ हर समय अपने भक्तों के लिए तैयार रहती है। एक गणेश मंदिर है, मैं अपने भक्तों को दिखाना चाहूंगा कि जो भी भक्त आते हैं प्रथम नंबर गणेश जी का पूजा जरूर करते हैं। मैं अपने तमाम भक्तों को ये आग्रह करता हूँ कि आप जो है गणेश जी का वंदना जरूर करें और इन्हें नमन करें। ये राम लक्ष्मण और सीता, साथ में हनुमान जी भी हैं, सिद्ध जगह में से हैं, पथरौल माँ काली मंदिर के दूसरे मंदिर के रूप में विख्यात हैं। और इनका नमन करें और साक्षात दर्शन करें। तमाम भक्त विकास तिवारी, आपका विकास तिवारी ब्लॉग्स में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने तमाम भक्तों से ये आग्रह करूंगा कि वो जब भी माँ का दर्शन सिद्ध जगपीठ में से एक है, आप इनका दर्शन अवश्य करें। ये यात्री की सुविधा हेतु यात्री सीट का निर्माण किया गया है। चूंकि जो दूर दराज से यात्री लोग आते हैं उनको यहाँ पर आराम मिल सके। और सिद्ध जगहों में से एक है, मैं इसका भी दर्शन करवाता हूँ कि जब भी यहाँ पर आए किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होता है अपने दर्शकों को। ये मैं राधा कृष्ण मंदिर का मैं दर्शन करवाता हूँ अपने दर्शकों को। ये राधा कृष्ण मंदिर का मैं दर्शन करें, राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ पर अष्ट धातु की प्रतिमाएं बनी हुई है जो मुगल काल से बहुत पहले का है। यहाँ पर साक्षात राजा के द्वारा इनका स्थापना किया गया था और इस सिद्ध जगहों में से एक है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। महादेव जी का मंदिर है, मैं अपने दर्शकों को भगवान महादेव जी का ये बाबा वैद्यनाथ का पूजन कीर्तन का टाइम होने जा रहा है, संध्या वंदन का। मैं अपने दर्शकों को शिव बाबा के अखंड कीर्तन के दिखा रहा हूँ। ये मुगल काल से बहुत पहले का है। ये राजा दिग्विजय सिंह के द्वारा लाया गया था, जो अपनी कलाकृति में भी सबसे आगे का स्थान रखता है। भगवान शंकर का आप नमन करें और आशीर्वाद मांगे, सारे आशीर्वाद की पूर्ति होगी। और बाबा को साष्टांग प्रणाम करें और इनसे निवेदन करें कि अपने परिवार का, सारे संसार का
करुणा से रक्षा करें, यही हमें भगवान शिव से निवेदन है और भक्तगण नमन करें। ये पथरोल काली मंदिर के ही एक मंदिर में सूर्य देव का मंदिर है, मैं इसका भी आपको दर्शन करवाता हूँ। साक्षात सूर्य भगवान का जीता जागता उनका अवशेष है, मूर्ति है। साक्षात यदि इस कलयुग का कोई देवता है तो सूर्य भगवान है। अपने भक्तों को तमाम तरह के सुख सुविधाओं से उत्सर्जन, प्रजनन, जनन और शक्ति प्रदान करते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये दिखाता हूँ कि ये लॉकडाउन के चलते थोड़ा शांतिपूर्ण है और ये माँ मनसा का मंदिर है जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ और साथ में माँ सरस्वती का मंदिर है। मैं अपने दर्शकों से को ये दिखाना चाहता हूँ कि इस मंदिर के अंदर एक ये माँ मनसा देवी की मंदिर है। जो भी मन में आप भक्तजन मांगते हैं वो माता श्रद्धापूर्वक पूर्ति करती है। मैं चाहता हूँ कि भक्त लोग अपने मन की बात माँ मनसा देवी से आग्रह करें और जब इसकी पूर्ति हो तो आप पथरोल मधुपुर से नज़दीक, गिरिडीह से 22 किलोमीटर और देवघर से 32 किलोमीटर की दूरी पर हैं और साथ में माँ सरस्वती का मन भी है। माँ सरस्वती विद्या दाहिनी, विद्यादाता, हंस पर आसन रहने वाली माता ब्रह्मचारिणी। भक्तजन दर्शक से मैं चाहूँगा कि इनसे भी आशीर्वाद मांगे, अपने पुत्र, अपने परिवार और सबसे बड़ी चीज़ है विद्या की दाता है और मांगे और उनकी पूर्ति होने के बाद यहाँ पर जरूर आवे। मैं माता दुर्गा मंदिर के अंदर मैं माँ दुर्गा का अभी पट बंद है, मैं इनका दर्शन करवाना चाहूँगा क्योंकि पथरोल माँ काली मंदिर में सिद्ध पीठ जगहों में से एक है। मैं तमाम दर्शकों से चाहूँगा कि उनसे उन्होंने बिना आशीर्वाद मांगे अपने पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, हर तरह का ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए माँ का वंदन करें और जब पूर्ति हो जाए तो पथरोल माँ काली मंदिर जरूर आवे और उनका मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो भी चढ़ावा के रूप में चढ़ाना हो वो चढ़ावें। माँ सब फल की प्राप्ति देगी अपने भक्तों को। पथरोल माँ काली का मंदिर का संध्या वंदन का टाइम होने जा रहा है, मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को ये दिखाऊं और इनका आशीर्वाद उनको मिले। भक्तजन ये सिद्ध पीठ में से एक पीठ है और मैं यहाँ माता जी को बारे में के महिमा के बारे में मैं अपने पुरोहित जी से जानना चाहूँगा। पहले
ये माता जी से जो भी मांगा जाता है वो सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि वो जब भी देवघर आवें तो पथरौल माँ काली मंदिर के दर्शन हेतु अवश्य आवें और इनका ध्यान करें और जो भी मनोकामना मांगा जाएगा दर्शकों के द्वारा, भक्त के द्वारा, वो सारे भग माँ पूर्ति करेगी। तो मैं पंडित जी से चाहूँगा कि कुछ इनकी महिमा के बारे में बताएं। ये जो मंदिर है 550 साल का है, बहुत जागृत काली है। दिग्विजय प्रसाद सिंह ने इसको प्रतिष्ठा किया था, राजा दिग्विजय सिंह प्रतिष्ठा किया था। ब्राह्मण ने आया था बालीजोड़ी बीरभूम से, सखी चरण चट्टोपाध्याय इसको प्रतिष्ठा किया गया। जब जब जहाँ जहाँ आते गया, एक ठोकर के बलि होते गया, उससे भी धीरे धीरे जागृत हुआ, धीरे धीरे माँ का प्रकार नाम हुआ, होते होते बहुत बड़ा विशाल नाम हुआ। सिद्ध पीठ है, मनोकामना जो सिद्ध होता है वो अवश्य होता है, इसमें दो मत नहीं है, इसका सत्य बोध है। मंगलवार शनिवार को थोड़ा भीड़ होता है, बलि का प्रवाहन होता है, जो मन्नत किया जाता है फूल गिरता है, उसमें काम बनता है, विश्वास रखने पड़ता है पत्थर पर, नहीं तो देवी शक्ति माँ का आशीर्वाद लेके काम करते हैं। बहुत बहुत दिन के पुराना काली जी है। हम मेरा नाम दयामय आचार्य जी है। ये हमारे आचार्य महोदय इनकी महिमा के बारे में बताए। मैं अपने भक्तों को ये चाहूँगा कि अभी संध्या वंदन का टाइम हो रहा है और मैं चाहूँगा कि संध्या वंदन का कुछ, हाँ अभी मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा देर में। काली मंदिर है ये तो बहुत जागृत हैं, लोग तो जानबे करते हैं। उसके बाद वहाँ के पास जो भी लोग आते हैं अपना मनोकामना पूर्ण वहाँ करते हैं।